मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के तहत दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद यहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने टिप्पणी करी है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को मालवा में जबरदस्त सीट मिलने वाली है। वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय परेशान है, उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वह चुनाव लड़ सके, उनके बेटे का टिकट काट दिया गया है, जिससे जितनी आबादी उतना हक। लेकर दिग्विजय सिंह ने यह भी बात कही है कि मोदी जी और मोहन भागवत जो है वह आजकल मुसलमानों को लेकर बात करने लगे हैं और मस्जिदों में भी जाने लगे हैं। यदि आप में इतनी ही सहानुभूति है तो उन सब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनको राहत दिलवाई जाए। मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है, वहाँ जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने चुनावी स्टंट इसे बताया है। महंगाई की बात उन्होंने कही, वहीं पर बेरोजगारी के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया, वहीं पर हिंदू मुस्लिम की बात लगातार जो की जा रही है उसको लेकर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि जब सब जगह मोदी मोदी का गुणगान हो रहा है, उसी बीच चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा भी कर रहा है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन की जो हमारी भूमि है वह चीनी अफसर जो है वह हमारे यहाँ पर घुस आए हैं, चीन हमारी धरती पर घुस आया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं घुसा है, ना ही कोई आया है और ना ही कोई आ पाएगा। ऐसे में दो विरोधाभासी जो बयान है वह लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। कई मुद्दों पर उन्होंने बात कही, क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इतने परेशान हैं कि इस उम्र में उनको वहाँ चुनाव लड़वाया जा रहा है और बेटे का टिकट कटवा दिया। कैलाश जी, जनता से कह रहे हैं कि मैं क्या बनूँ, मुख्यमंत्री बनूँगा। सर, जितनी आबादी उतना हक, जो कांग्रेस का एक बयान था उसमें पीएम ने कहा है कि अल्पसंख्यकों से दुश्मनी है क्या? बात यह है, मोदी जी और मोहन भागवत जी आजकल मुसलमानों की बात भी करने लगे हैं, मस्जिदों में भी जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरे, अगर आप में इतनी सहानुभूति है तो उन सब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है, उनको तो राहत दिलवाइए। मणिपुर तो जाइए, मणिपुर में वहाँ अत्याचार हो रहा है उनके लिए तो कुछ करिए। ये केवल चुनावी स्टंट है, महंगाई की बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। हमारे सांसद संजय सिंह जी के यहाँ भी जो छापा डाला गया है, ये वैमनस्यता का ही परिणाम है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी, मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कांग्रेस को चला गया। अभी तक जब जब चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं चीन हमारी भूमि में घुस आया, आर्मी चीफ कह रहे हैं चीन हमारी धरती में घुस गया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना घुसा है ना कोई यहाँ पर है। अभी भी उन्होंने कभी चीन का नाम लेने से भी वो शर्माते हैं लगता है। मेरी भूमिका रहेगी, पंजे को जिताओ, जिसको भी पंजा मिले चुनाव चिन्ह उसको जिताओ, भारी भारी बहुमत मिलेगा जी। मैं हमेशा मैदान में हूँ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।